नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल्स सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेई मेंस 2019 के एग्जामिनेशन को लेकर। विल बी रिलीज टुमारो रिजल्ट। ब्रेकिंग न्यूज़ आज की कि क्या पेपर फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट कल रिलीज हो जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर एक न्यूज़ सामने आई है, उसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से जेई मेंस के एग्जामिनेशन से संबंधित हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो कौन सी है न्यूज़ जिसको लेकर ये वीडियो जो है क्रिएट किया गया है। तो ये वो न्यूज़ है, क्या बोला गया है कि जेई मेंस दोनों पेपर के परिणाम की तैयारी। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट कॉलम को पढ़ते हैं पहले। क्या बोला कि जेई मेंस 2019 के दोनों पेपर के परिणाम की तैयारी शुरू हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA दोनों पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं के तकनीकी प्रशिक्षण में जुटा है। IIT की पात्रता सहित NIT और अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तत्वाधान में 7 से 12 अप्रैल तक द्वितीय चरण की जेई मेंस परीक्षा कराई थी। एजेंसी दोनों पेपर के परिणाम तैयार करने में जुटी है। एजेंसी के तयशुदा कार्यक्रम के तहत 30 अप्रैल तक प्रथम पेपर और 15 मई तक द्वितीय पेपर का परिणाम निकाला जाना है। विद्यार्थियों को जेई मेंस की OMR और गणना शीट की फोटोकॉपी लेने की सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीते वर्ष की तरह जेई मेंस के अंकों के अनुरूप ही दाखिले होंगे। संभवतः मई के दूसरे पखवाड़े में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू होगी। मालूम हो कि सरकार ने साल 2016 में राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीप के जरिए प्रथम वर्ष में प्रवेश देने की जरूरत की। इसमें जेई मेंस के प्राप्त अंकों को प्रवेश की पात्रता माना गया है। तो इस न्यूज़ से निकल के यही आता है कि जेई मेंस जिसका पेपर फर्स्ट जो जनवरी में हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो कल यानी कि 30 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा, और जो पेपर सेकंड जो अप्रैल में ख़त्म हुए हैं 7 से 12 अप्रैल तक चले थे उनका रिजल्ट मई के दूसरे पखवाड़े यानी कि मई के सेकंड वीक में उनका रिजल्ट 15 मई तक आ सकता है, ऐसा NTA का कहना है। इनके परिणाम की तैयारियां हो चुकी है, आंसर शीट्स आपकी चेक हो चुकी है, इंतजार है इनके परिणाम का कि परिणाम कब तक निकाला जाएगा। और जो मई है मई के सेकेंड वीक तक इनके जेई एडवांस के लिए जो प्रोसीजर है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो जो मेन मुद्दा था हमने जेई मेंस के रिजल्ट्स को लेकर, तो जेई मेंस का फर्स्ट पेपर जो जनवरी में हुआ है उसका कल यानी कि 30 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, और जो पेपर सेकंड है जिसका पेपर अप्रैल में हुआ था तो उनके रिजल्ट जो है मई के सेकंड वीक या फिर 15 मई तक, नहीं तो 15 मई को इसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अन्य स्टूडेंट से इसके बारे में परिचर्चा कर सकते हैं और पर्सनली हमसे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतर और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।